अब झारखंड की कला सोहराय और कोहबर को जियो टैग मिल गया है। अब झारखंड सरकार को भी इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। सोहराय यानी झारखंड, अब यह कला झारखंड की थाती है। सोहराय तो बहुत ही फेमस कला है और लगभग जब से इसको जीआई टैग मिला है तो सारे लोगों के मन जहन में है कि ये सोहराय पेंटिंग आखिर किस क्या होता है, पेपर में किस तरह से बनते हैं, दीवारों में कैसे बनते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पेपर में इसका प्रोसेस के बारे में, हम लोग बात करेंगे कि कैसे बनते हैं। चूँकि सोहराय में रंगों का बहुत विशेष महत्व है और ये नेचर से रिलेटेड कृषि से संबंधित कार्य है, कला है, तो जिसमें कि चार प्रकार के मिट्टी का विशेष महत्व है, जिसमें कि दूधी मिट्टी, मिल्की कुलिन, जो कि खेतों में इस तरह से प्राप्त मिलते हैं और इसको डस्ट करके इस तरह से इसको चूर के डस्ट करके इसको ग्राइंड करके इस तरह से तैयार किया जाता है। और फिर ये काली मिट्टी है जो विशेष प्रकार के जगहों में ही स्थानों में मिलते हैं, इसको ब्लैक मैग्नीज बोलते हैं, इसको भी इसी तरह सेम प्रोसेस में तैयार किया जाता है। और फिर सोहराय पेंटिंग में दो और अलग विशेष मिट्टियों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान है, उसमें ये पीली मिट्टी येलो ऑक्साइड और दूसरा है ये रेड हेमेटाइट, जिसको जो आजकल बाजार में रेड ऑक्साइड के रूप में भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जो पेपर होता है, जब हम उसको पेपर में बनाते हैं तो पहले इसके ऊपर दूधी मिट्टी लगाते हैं और दूधी मिट्टी को ब्रश के माध्यम से लगाने के बाद उसको सूखने, थोड़ा जब वो सूख जाते हैं तो उसमें फिंगर से उसमें बशीर काटा जाता है और जब वो पूरी तरह से सूख जाते हैं तो वो पेंटिंग बनने के लिए, सोहराय पेंटिंग बनने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। काली मिट्टी का विशेष महत्व होता है। फिर काली मिट्टी से इस तरह से कोई भी आकृति, जानवर, फूल, पत्ता, पौधा, मोर, पंछी, इस तरह का अलग अलग ट्राइब्स के लोग अलग अलग अपने अपने कल्पना के अनुसार चित्रण करते हैं ब्रश के माध्यम से। और जब ये पूरी तरह से काला पेंटिंग तैयार हो जाता है काली मिट्टी के माध्यम से, तो फिर इसमें ये लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी और ये पीली मिट्टी, ये दोनों मिट्टी से इसके अंदर रंग भरा जाता है ताकि ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कि ये तो इनकम्प्लीट कला है, तो इसमें ये कलाकार ब्रश के माध्यम से इस तरह से रंग भरते हैं। और सोहराय पेंटिंग में की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये इसकी विभिन्नता, ये हमारे झारखंड राज्य के अलग अलग गांव में अलग अलग ट्राइब्स लोग अलग अलग तरीक़ा से बनाते हैं। और इसकी दूसरी बड़ी विशेषता ये है कि ये जो कला है, ये क्या कहते हैं, जो एक ट्राइब्स के लोग होते हैं दूसरे ट्राइब्स के कला का नकल नहीं करते, चित्रण नहीं करते हैं, उनका अपना एक विशेष कला होता है, हर गाँव का ये एक अलग कला होता है। इस प्रकार जो सोहराय पेंटिंग है हमारे झारखंड राज्य में, ये मुख्यतः आठ नौ प्रकार के सोहराय हमारे झारखंड राज्य में मिलते हैं, विशेषकर हजारीबाग में, जो कि अलग अलग गांव में अलग अलग ट्राइब्स के लोग इसको अलग अलग तरीक़ा से, परंपरागत तरीक़ा से सदियों से करते आ रहे हैं अपने घरों के मिट्टी के दीवारों पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भिलवारा गाँव का। जो भिलवारा गाँव हजारीबाग के पूर्व में करीब 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर कुर्मी महतो के ट्राइब्स के लोग रहते हैं। और इस गांव में, भिलवारा गांव में जो कुर्मी महतो ट्राइब्स लोग होते हैं, जहाँ की पार्वती देवी बहुत ही प्रमुख और फेमस कलाकार है, तो वो इस तरह का पेंटिंग बनाती हैं जिसमें कि लाइनिंग का विशेष महत्व होता है। और फिर काले रंग से लाइनिंग करने के बाद लाल मिट्टी और दूधी मिट्टी से और पीली मिट्टी से लाइनिंग के थ्रू क्या कहते हैं पेंटिंग बनता है। और आजकल कुछ दिनों से कलाकार लोग डॉट्स भी देने लगे हैं। तो इस तरह से ये पार्वती देवी का बहुत ही प्रसिद्ध कला है। जो अब हम बात करते हैं गांजू सोहराय का, तो ये जो गांजू ट्राइब्स के लोग रहते हैं होते हैं वो लोग इस तरह से चित्रण करते हैं। उनके कला में जंगली जानवरों का विशेष महत्व होता है और वो सांप का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और ये जो क्या कहते हैं हजारीबाग के पश्चिम में शैदा गांव है, वहाँ पर गांजू ट्राइब्स के लोग होते हैं और वो लोग इस तरह से गांजू ट्राइब्स बनाते हैं। गांजू कलाकार में पुतले दी गांजू जो है वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस कलाकार है, तो उनका बनाया हुआ ये कला है जिसमें कि सांप का वो चित्रण अवश्य करती है अपने चित्र में। इस प्रकार जब हम जोराकाट आते हैं, जोराकाट में कुर्मी ट्राइब्स के लोग रहते हैं और उनका जो सोहराय होता है थोड़ा भिन्न होता है क्योंकि वो पहाड़ी पे हैं, तो वैली में होने के कारण वो लोग ज़्यादा जंगल है चूँकि जोराकाट गाँव में, तो वो लोग ज़्यादातर हाथी, हरिन, मोर, इस तरह से उनका चित्रण वो करते हैं अपने घरों के दीवारों पर और पेपर में भी। वो बाग भी बनाती हैं, रुधन जी का बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है रुधन जी, तो वो ये कला को बनाई है।
तो इस प्रकार से जोराकाट में मालो और रुधन जी बहुत ही फेमस कला। फिर हम बात करते हैं खराटी गांव की, क्योंकि खराटी गांव में तो अब ये कला लगभग लुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोगों के सहयोग से 2-3 घर ऐसा है, कलाकार ऐसी हैं जैसे सुग्या जी या यशोदा जी, जो अभी भी ये कला को अपने घरों के दीवारों पर जीवित रखी हैं। ये सुग्या जी का बहुत ही फेमस कला है, वो ये प्रजा ये लोग विशेषकर फूल पौधा मछली चिड़िया बनाते हैं, क्योंकि जो खराटी गांव है यहाँ पे प्रजापति के ट्राइब्स के लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी और भी कुछ ऐसा गांव है जहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते हैं और वो भी सुराइक पेंटिंग करते हैं, लेकिन अभी तक ये जो कलाकार हैं, इस गांव के जो कलाकार हैं, ये लोग अभी तक परंपरागत है और उनका अभी किसी तरह का प्रमोशन नहीं हुआ, किसी तरह का उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो लोग अपने काम को अभी तक पेपर में या कैनवास में उतार नहीं सके हैं। जैसे कि हजारीबाग से नॉर्थ में करीब 40 किलोमीटर दूर पद्मा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक दाऊजी नगर करके बहुत सुंदर सा अगरिया लोका ट्राइब्स का गांव है, तो वहाँ पर कलाकार लोग भी बहुत सुंदर सुराई बनाते हैं, बट वो अभी तक सिर्फ दीवालों पर हैं, हम लोग अभी तक उनको पेपर में नहीं ला पाए हैं। इसी तरह हजारीबाग के साउथ ईस्ट में उरिया करके एक बहुत ही सुंदर गाँव है जहाँ घटवाल जाति के लोग रहते हैं, तो उनका भी काम बहुत ही खूबसूरत है, बट अभी भी वो परंपरागत हैं, उनका काम सिर्फ दीवालों पर है और पेपर में नहीं आए हैं। फिर उरिया से करीब 5 किलोमीटर आगे एक आंगो करके बहुत ही अच्छा कुर्मी महतो ट्राइब्स के राणा ट्राइब्स के लोग रहते हैं, वो लोग भी बहुत सुंदर सुराई बनाते हैं, बट वो भी सिर्फ अभी दीवालों पे ही बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें संथाल लोग का, तो हजारीबाग के पूर्वी साइड में नानो लुकैया जरवाडी इस तरह से पुन्ना पानी इस तरह से 3-4 गाँव संथाल लोग का है, और वो लोग भी अपने घरों के दीवालों पर जनवरी महीना में वो लोग सुराई का बनाते हैं अपने घरों के दीवालों पर, बट वो भी पूरी तरह से ट्रेडिशनल है और उनका काम अभी तक पेपर में नहीं आया है। फिर अगर हम इसको का बात करें तो वहाँ मुंडा ट्राइब्स के लोग रहते हैं, जो गांव है वहाँ पर मुंडा ट्राइब्स के लोग भी घरों के दीवालों पर सुराई के अवसर पर पेंटिंग बनाते हैं, सुराई पेंटिंग, बट वो भी उनको भी किसी प्रकार की किसी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिसके वजह से वो सिर्फ दीवालों पे ही बना रहे हैं, पेपर में अभी तक उनके काम नहीं आ पाई है। तो अभी हमें आवश्यकता है कि विशेषकर जो गांव में अभी तक ये कलाकार जो महिला कलाकार है जो अभी तक पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हुई है, जिन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो उनको किस तरह से हम लोग उसको ट्रेंड करें, किस तरह से उनको प्रोसेस के थ्रू पेपर में और कैनवास में या किसी और मीडियम में हम लोग उनको काम करने का अवसर प्रदान करें। ते हैं हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि हम लोग बाकी जो पिछड़े गांव हैं जहां सुराई आज भी जीवित है और वहां की महिला कलाकार को हम लोग किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें, उनको किस तरह से ट्रेनिंग करवाएं कि ताकि वो भी कल को जाकर आत्मनिर्भर हो और ये रोज़गार के क्षेत्र में उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी।